और देखिए दिल्ली में घना कोहरा है, फ्लाइट्स जयपुर डायवर्ट की गई है। 4 इंटरनेशनल, 3 घरेलू और 1 प्राइवेट चार्टर प्लेन डायवर्ट होकर जयपुर पहुंचा है। वियतनाम के हनोई से दिल्ली जा रही 3 अलग अलग फ्लाइट्स जयपुर पहुंची है। वियतनाम हनोई से दिल्ली जा रही स्पाइस एक्सप्रेस की SG7273 जयपुर डायवर्ट हुई है। वियतनाम हनोई से दिल्ली जा रही स्पाइस एक्सप्रेस की SG7263 डायवर्ट जयपुर हुई है। वियतनाम हनोई से दिल्ली जा रही वियत जेट की फ्लाइट VJ971 जयपुर डायवर्ट हुई है। इसके साथ साथ काठमांडू से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI212 भी जयपुर डायवर्ट की गई है। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI808 जयपुर डायवर्ट हुई है। इंदौर से दिल्ली जा रही एयरलाइंस एयर की 9I622 जयपुर डायवर्ट की गई। ये फ्लाइट भी जम्मू से दिल्ली जा रहा चार्टर प्लेन डायवर्ट होकर जयपुर पहुंचा है। तो वहीं बेंगलुरु से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6385 जयपुर डायवर्ट हुई है। सभी विमान खड़े हैं जयपुर एयरपोर्ट की पार्किंग में। अब दिल्ली में मौसम। क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग होती है मौसम के हिसाब से भी कि अगर विजिबिलिटी कम है तो फिर किस तरीके से कम विजिबिलिटी में भी विमानों की उड़ान ठीक तरीके से चलती रहे और साथ ही साथ संचालन ठीक से होता रहे। लेकिन कमी यहां पर भी महसूस की जा रही है कि ऐसी विशेष ट्रेनिंग का अभाव भी देखा गया है क्योंकि अलग से इस बात की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पूरी ना होने की वजह से और अनुभव की कमी की वजह से भी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग काफी महंगी होती है। और ऐसे अभी माना जाता है कि लाखों की ट्रेनिंग के बाद भी विदेशों का रुख पायलट कर लेते हैं क्योंकि ऐसा मौसम हर समय विदेशों में ज्यादा रहता है, वहां अपॉर्चुनिटी वो ज्यादा देखते हैं और इसलिए यहां से विदेश में अपना ज्यादा फायदा उन्हें नजर आता है। यह भी एक वजह है। लेकिन दिल्ली की बात करते हैं तो IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहां पर भी विमान सेवा प्रभावित हो रही है। कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली आने जाने वाली कई फ्लाइट लेट है, कोहरे सर्दी लगातार बढ़ रही है लेकिन कोहरे की वजह से रेल यातायात, सड़क यातायात और फ्लाइट्स का संचालन बाधित हो रहा है। दिल्ली आने जाने वाली कई फ्लाइट लेट हो रही है, कई फ्लाइट ऐसे भी हैं जो रद्द करनी पड़ी हैं कोहरे की वजह से क्योंकि डायवर्जन भी कितना हो पाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं दिल्ली जाने वाली कई फ्लाइट्स को कम विजिबिलिटी की वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम है और कम विजिबिलिटी की वजह से कई फ्लाइट्स के संचालन में दिक्कत आई।
माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद सर्दी में थोड़ी कमी आती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और दिल्ली की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहां पर पहुंच गया है। और जियाउद्दीन फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी जियाउद्दीन। बेहद परेशानी हो रही है जो यात्री हैं, क्योंकि कई बार ऐसी फ्लाइट है, इंटरनेशनल की बात कर ले, घरेलू की बात कर ले, जो जिनका संचालन लेट हो रहा है, साथ ही साथ डायवर्जन भी हो रहा है जयपुर, और कई फ्लाइट्स तो ऐसी हैं जिनको रद्द भी करना पड़ा है। क्या पूरी जानकारी है? दीपिका, देखिए कि अमूमन जो कोहरे का जो सितम है तो वो लगातार जारी है, चाहे वो दिल्ली वाला एरिया हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे जयपुर एयरपोर्ट हो, क्योंकि आज भी घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं। कुछ फ्लाइटें हैं जिनको टेक ऑफ होने में परेशानी आ रही है, तो कुछ फ्लाइटें ऐसी हैं जो यहाँ पर लैंड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे के अंदर फ्लाइटों का जो शेड्यूल था वो करीब 2 से 3 घंटे का बिगड़ चुका है। कई फ्लाइटें ऐसी हैं जो अब तक नहीं उड़ पाए, क्योंकि दुबई जो जाने वाली जो फ्लाइट है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, वो भी लगभग लेट हो चुकी है और कुछ फ्लाइटों को रद्द किया गया है। ऐसे के अंदर सबसे बड़ी परेशानियों का सामना इसके सामने, क्योंकि मौसम है और मौसम के सामने सब बेबस हैं, लेकिन बेबस है तो ऐसे के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है उन यात्रियों को जो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर या फिर अन्य एयरपोर्टों के ऊपर जयपुर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जियाउद्दीन, कितनी ऐसी फ्लाइट होंगी इंटरनेशनल और घरेलू जो अभी जयपुर डाइवर्ट हुई है? देखिए, अगर फ्लाइटों की बात की जाए तो देर रात की बात है, जब दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर कोहरे की वजह से एयर ट्रैफिक कंजेशन हुआ और उस एयर ट्रैफिक कंजेशन के चलते 4 इंटरनेशनल और 3 घरेलू फ्लाइट और 1 चार्टर विमान जो था उसको डाइवर्ट किया गया था जयपुर के लिए, क्योंकि तीनों जो ये फ्लाइट आई थी, 1 काठमांडू से और 3 वियतनाम के हनोई से आई थी, जो दिल्ली जा रही थी, और दिल्ली के अंदर लैंड नहीं हो सकी तो उनको रास्ते से ही जयपुर पर डाइवर्ट किया गया, क्योंकि घरेलू जो फ्लाइटें थी उसमें से चंडीगढ़ की फ्लाइट थी, बाकी अन्य जगहों की फ्लाइट थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देर रात को जब एयर ट्रैफिक कंजेशन क्लियर हुआ दिल्ली एयरपोर्ट से, उसके बाद तमाम फ्लाइटें एक के बाद एक दिल्ली के लिए रवाना हुई। ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।